हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भाविनी पटेल. आई एम टीचर ऑफ सीनियर के जी फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय. टुडे वी विल डू असाइनमेंट पेपर. ओके, राइट हियर अवर फुल नेम, सब्जेक्ट इंग्लिश, टुडेज डेट 12/4/2021. आगे टीचर ने आपको ये सब सिखाया हुआ है, सो आज हम क्या करेंगे, फर्स्ट टीचर आपको दिखाएंगे, फिर उसके बाद आपको ही अपने आप ही आपको लिखना है. ओके बच्चों, तो स्टार्ट करें. फिल इन द ब्लैंक्स विथ इन और ऑन एंड. ओके, हमें ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है, तीन वर्ड रख करके. ओके, जो भी करेक्ट हो तो उसको वहाँ पे हमें लिखना है. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट, अ कार इज ब्लैंक द रोड. अ कार इज ऑन द रोड, रोड के ऊपर, ऑन. तो इसकी हमें पोजिशन दिखानी, तो ओ एन ऑन, इट्स फर्स्ट आंसर इज ऑन. अ कार इज ऑन द रोड. ओके, वैसे ही आपको सेकेंड, अ कैट इज ब्लैंक द टब. तो यहाँ पे आपको देखना है कैट कहाँ पे है, इन द टब. ओके, तो वैसे ही आप इन लिखोगे. वैसे ही थर्ड आपको कंप्लीट करनी है, फोर्थ, फिफ्थ, रीड करते हुए जाना है, पिक्चर देख करके आपको इसकी, इसका आप वर्ड लिखेंगे इधर. ओके, नेक्स्ट, राइट अपोजिट्स. अपोजिट वर्ड आपको लिखना है पिक्चर देख के. विच पिक्चर हियर, बिग एलिफेंट, बिग बहुत बड़ा. ओके, देन स्मॉल माउस. ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिग ऑपोजिट स्मॉल, बड़ा उसके ऑपोजिट होता है छोटा. ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे BIG, बिग ऑपोजिट स्मॉल, SMALL स्मॉल. तो वैसे ही आपको यहाँ पिक्चर देखना है, बॉय ऑपोजिट गर्ल, देन हैप्पी सैड. तो ये अपने आप आपको देख करके यहाँ पे स्पेलिंग लिखनी है. ओके बच्चों, देन नेक्स्ट साइड, राइट यस और नो. आपको यस और नो यहाँ पे लिखना है आंसर. क्वेश्चन रीड, इज दिस अ गोट, इज दिस अ गोट. ये पिक्चर देखो आप, नो ये गोट नहीं है, इसीलिए हमें नो लिखा. ओके, राइट हियर ओनली वन वर्ड, यस और नो. वैसे ही आपको इज दिस अन अम्ब्रेला, चर्च, इज दैट अ चर्च, इज दिस अ ड्रम. तो आपको क्या करना है, ये पिक्चर सही लगता है तो आपको यस लिखना है, अगर ये पिक्चर रॉन्ग है तो आपको नो लिखना है ना. मतलब जिस क्वेश्चन को पढ़ करके आपका ये पिक्चर मैच नहीं हो रहा है तो हम नो लिखेंगे. ओके, नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर एंड मेक द सेंटेंस विथ दिस दैट. पिक्चर देख करके आपको सेंटेंस बनाना है और उसमें दिस दैट यूज़ करना है. कैसे करोगे आप, ये जो सिंबल है वो दैट हम लिखेंगे, इट्स सो फार. तो यहाँ पे हम लिखेंगे दैट, THAT, दैट, दैट इज अ रैट, RAT, रैट, फुल स्टॉप. ओके, वैसे ही आपको लोटस का भी लिखना है, यहाँ पे दिस आएगा क्योंकि ये सिंबल नहीं है तो ये पिक्चर नियर है. लोटस और चेयर एंड ऑक्टोपस. ओके, नाउ रेडी माय न्यू क्वेश्चन, मेक क्वेश्चन आंसर. यहाँ पर पिक्चर देख करके आपको क्वेश्चन आंसर दोनों आपको इधर बनाना है. ओके, तो जो भी ब्लैंक्स है तो उसमें हम जो भी करेक्ट वर्ड आएगा वो हम लिखेंगे. ओके, व्हाट इज, वह क्या है, वह क्यों बोला टीचर ने, क्योंकि ये सिंबल है सो
हमसे दूर है, फार है, तो दैट आएगा. व्हाट इज दैट? वह क्या है? वह स्नेल है, इसका मतलब होता है दैट. THAT, दैट. दैट इज अ स्नेल. ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट. ओके, तो वैसे ही आपको मंकी, काइट, डक, ओके, वैसे ही आपको रीड करते हुए, सिंबल को देखते हुए, आपको करेक्ट वर्ड यहाँ पर यूज़ करते हुए क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना है. नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर एंड मेक क्वेश्चन आंसर. आपको यहाँ पर पिक्चर देख करके क्वेश्चन एंड आंसर दोनों आपको लिखना है. फर्स्ट, विच पिक्चर हियर? पेंसिल. लुक एट द पिक्चर एंड मेक क्वेश्चन आंसर. तो यहाँ पे हमने दैट वर्ड यूज़ करना है. बट सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे. व्हाट इज दैट? क्वेश्चन पूछते हैं तो हम व्हाट का इस्तेमाल करेंगे. WHAT, व्हाट? व्हाट इज दैट? वह क्या है? क्वेश्चन मार्क. देन गिव मी आंसर एवरीवन. यस, दैट इज अ पेंसिल. तो यहाँ पे आंसर होगा हमारा दैट इज अ पेंसिल, फुल स्टॉप. वैसे ही हमें क्लाउड और बुक्स, ये भी आपको क्वेश्चन आंसर अपने आप आपको लिख करके बनाना है. ओके, टर्न दिस पेपर. नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर एंड राइट द स्पेलिंग. पिक्चर को देख करके आपको करेक्ट स्पेलिंग लिखनी है. ओके, विच पिक्चर हियर? केक. तो यहाँ पे हम लिखेंगे केक, CAKE, केक. देन विच पिक्चर हियर? मैनी फ्रूट्स. तो फ्रूट्स S होगा. ओके, फ्रूट नहीं, ओनली फ्रूट नहीं, फ्रूट्स. तो यहाँ पे हम फ्रूट्स लिखेंगे. ओके, देन कर्सिव राइटिंग, स्मॉल कर्सिव लेटर A to Z. यहाँ पे आपको डॉट दिए गए हैं तो वैसे ही आप लिखोगे. ओके, स्टार्ट करें. सबसे पहले हम लेटर, कर्सिव स्मॉल लेटर A, देन ये डॉट के नीचे से हम स्टार्ट करते हैं B, C. ओके, D. तो वैसे ही आपको EFGHIJKL. ओके, कर्सिव राइटिंग में टीचर ने आपको लिखाया था ना, नोटबुक में, टेक्स्ट बुक में सिखाया था ना आपको, तो वैसे ही आपको पूरा A से लेकर Z तक आपको अपने आप लिखना है. ओके, थैंक यू एवरीवन.